गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो वीडियो है वो पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट टू नहीं है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैं शूट पे गया था, मतलब कुछ दिन पहले लॉकडाउन के पहले। तो 80 किलोमीटर से यहाँ से करजत करके लोकेशन है, थाने में है शायद, तो वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले थे, तो बच्चों ने मेरा वीडियो पार्ट वन देखने के बाद मुझसे कुछ सवाल पूछे कि हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, तो स्टेज फियर को कम कैसे करें, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको फियर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली स्टेज फियर में ही आपको फियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिलिट्री में, तो बॉर्डर पे आपको फियर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आप स्टूडेंट है तो आप एग्ज़ाम देते, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको फियर रहता कि पेपर कैसा आएगा। आप बॉक्सिंग मैच में उतरते हैं तो बॉक्सिंग मैच में लड़ने से पहले आपको फियर होता है कि कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो कोई भी काम आप करते तो आपको फियर होता है, उसको आपको ओवरकम होना पड़ता है। अभी जैसे मैं भी काफ़ी मैंने मतलब पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी किया है, लेकिन जब मैं सूरत गया था प्ले के लिए तो वहाँ पे 5000 लोगों का क्राउड था और लैंग्वेज था वहाँ पे गुजराती, तो गुजराती लैंग्वेज मुझे आता नहीं था। और वहाँ पे कैसा था, मुझे माइम करना था। माइम करना मतलब डायलॉग ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डायलॉग ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे क्या करना है कि वो डायलॉग के साथ साथ अपने मुंह को हिलाना, जैसे हम टिकटॉक पे करते हैं। मतलब मैंने तो ज़्यादा बनाया नहीं टिकटॉक, अच्छा हुआ नहीं बनाया, वो बंद भी हो गया ठीक है, तो नहीं बनाया तो फ़ायदा ही हुआ। मतलब कि यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब पर आपको ना अच्छा कंटेंट मिलता है, बड़े बड़े कंटेंट मिलते हैं और डिटेलिंग रहता है, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता यूट्यूब पे। तो टॉपिक पे आते कि स्टेज फियर को कम कैसे करें, तो हर चीज़ का फियर आपको होता है। मतलब आप डेट पे जाते तो आपको फियर रहता है, आप किसी को प्रपोज करते तो भी आपको फियर रहता है कि क्या मतलब हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी, ठीक है। तो हर चीज़ का आपको फियर तो होता ही है लाइफ में, तो फियर को ओवरकम कैसे करें। अब कुछ लोग आपने देखा होगा आपके स्कूल में कॉलेज में होंगे जो मतलब इस काम में बहुत अच्छे होंगे, डेट करने में बहुत अच्छे होंगे, क्यों, स्टेज पे जाने में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, कुछ सिखाने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग और किसी चीज़ में बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उन लोग ने वो चीज़ें बार बार की हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रैक्टिस चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो स्टेज पर जाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं कहा था कि सूरत गया था मैं करजत में, तो करजत गया तो 5000 का वहाँ पे क्राउड था, तो वहाँ पे मेरे पैर कांप रहे थे परफॉर्म करते समय, क्योंकि इतने बड़े क्राउड के सामने मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था। तो फिर मैंने बोला कि अगर आप, मैंने भावेश को बोला कि भावेश तू एक काम कर, कि भावेश तू एक काम कर, तू कॉलेज में जितने भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होते हैं तू वो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स पे पार्ट लेना शुरू कर दे। तो उसने बोला कॉलेज तो मेरा ख़त्म हो गया, तो कॉलेज ख़त्म हो गया तो क्या कर सकते हैं आप, कॉलेज ख़त्म हो गया तो आप कोई भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, उससे क्या होगा कि आप सोशल वर्क सीखेंगे और लोगों से मिलना सीखेंगे। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, मतलब अभी भी हो गया फिर से, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैं स्ट्रेंजर से बात कर सकता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो बेस्ट वही होगा आपके लिए कि आप क्या कीजिए कि आप कोई भी एक एनजीओ ज्वाइन कीजिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी लोगों से मिलने का। कई बार आप नहीं स्पीच देंगे लेकिन आपके साथ वाला स्पीच देगा और आप स्टेज पे खड़े रहेंगे, तो उससे भी आपको सीखने मिलता है। और दूसरा क्या है कि आप एनजीओ ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व करेंगे, या तो वो फंडिंग के लिए बोलेंगे, मतलब क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन अपना रन करना है और अच्छे काम करने, तो वो क्या करेंगे कि वो आपको बोलेंगे कि आप लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो जब आप लोगों को इकट्ठा करते हैं तो आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप टीम बिल्डिंग का स्किल सीख सकते हैं, आप लीडरशिप का स्किल सीख सकते हैं। तो अगर आपका कॉलेज है तो आप कॉलेज इवेंट्स में पार्ट लीजिए। जैसे मुझे बोला जाता था कि कितना ख़राब बोलता है, जब स्टॉल पे मुझे खड़ा करता किया जाता था कॉलेज में कुछ सेल करने के लिए, तो ग्रुप लीडर्स होते थे बोलते थे कितना ख़राब बोलता है, लेकिन मैं क्योंकि नया था उस चीज़ में, तो ऐसा भी होगा आपके साथ कि लोग बोलेंगे कि नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो करते करते आप अच्छा करने लगते हैं और एक टाइम आता है कि आप उन लोग से भी अच्छा करते। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप कोई भी, अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो रॉबिनहुड
रॉबिन हुड आर्मी में वो है और वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है यूट्यूब पे भी और बाकी चीज़ों में भी वो काफ़ी सपोर्ट करता है। तो उसका क्या है, उसका भी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया, मतलब वो जॉब तो करता है, संडे को वो सोशल वर्क करता है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह लेके जाना, फिर खाना लॉकडाउन में खाना सप्लाई करना, तो ये सब क्या होता है, इस सब से वो लोगों से मिलता है। तो वो क्या एक तरह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन सकता है क्योंकि वो इतने लोगों से मिल चुका है, लोगों को पहचानता है, लोगों से डील कर सकता है, वो किसी को जज नहीं करता है। तो ऐसे आपका स्टेज फियर कम हो जाएगा। फिर आपको फियर है तो पहले तो आपको फियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे फियर है, मुझे डर है, ठीक है। अभी मुझे भी डर है कि मैं मतलब कॉरपोरेट अच्छा खासा ज्वाइन कर सकता था लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है, तो मेरे को डर तो है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है और फिर वो डर को एक्सेप्ट करके आपको एम्ब्रेस करना है और आपको फिर आगे बढ़ना है, फिर आपको ट्राई करते रहना। तो स्टेज फियर आपका कैसे निकलेगा, एक तो चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब का मेरा अब क्या पर्पस है, मतलब ठीक है उससे लोगों का हेल्प तो होता है लेकिन मैं अपना डिक्शन भी इम्प्रूव कर लेता हूँ, मैं अपना स्पीकिंग का एबिलिटी भी इम्प्रूव कर लेता हूँ कि अचानक मेरे को आया कि 5 मिनट आपको बोलना है, ठीक है, और मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं आज ट्रेन कर ले रहा हूँ अपने आप को यूट्यूब के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब ही आप कोई भी प्लेटफॉर्म अपनाइए या फिर आप दोस्तों से मिलिए, बात कीजिए, मतलब होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, मतलब एक परफॉर्मर के लिए पूरा वर्ल्ड ही स्टेज है, तो आप उसको उस नज़र से देखिए तो आपका स्टेज फियर निकलेगा। फिर क्या है, स्टेज फियर से पहले हाँ आप प्रे कर सकते हैं, जैसे मैं जब एग्ज़ाम भी देता था तो एग्ज़ाम के पहले मैं प्रे करता था, तो उससे क्या होता है कि एक ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक ठाक है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो मैं प्रे कर लेता था, मतलब मेरा परफॉर्मेंस तो ख़राब ही होता था पेपर में लेकिन मैं प्रे ज़रूर कर लेता था ताकि उस पॉइंट के लिए, मतलब 3 आवर्स का अगर पेपर है तो वो 3 आवर्स में मेरे पास पेशेंस हो कि मैं वो ठीक से कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसे आप स्टेज पे भी जाते तो आप प्रे कर लीजिए, मतलब अभी समझो मैं कैमरा के सामने जब परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास टेक का ऑप्शन रहता है, बट स्टेज में मेरे को ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस सब कुछ करना है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं फिर से उसको रीटेक ले सकूँ। तो उसमें क्या करना कि आपको माइंड बहुत काम होना चाहिए, आपका माइंड काम नहीं है, आप मेडिटेटिव स्टेट पे नहीं है तो आपका जो स्पीच है वो फंबल होगा। अभी मेरा माइंड क्लियर है, दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू स्पीक, जो कि सुबह नहीं था, ठीक है। तो मैंने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद फिर से ब्रेन में कुछ गुड हार्मोन रिलीज हुए जो वर्कआउट से होता है, जो कॉर्टिसोल शायद मेरे को क्लियर नहीं है, मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन कॉर्टिसोल शायद स्ट्रेस हार्मोन है। तो वो कम कैसे होता है, वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो कॉर्टिसोल आपके ब्रेन में कम हो जाएगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे। जितना आपका माइंड ब्लैंक होगा उतना अच्छा आप फोकस कर पाएंगे किसी भी काम में। अगर आप कारपेंटर हैं, ठीक है, अगर आप कारपेंटर हैं तो अच्छी बात है, कारपेंटर इज़ अ स्किल्ड वर्क, चाइना में लोग कारपेंट्री का काम भी करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्किल्ड वर्क है तो आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप जो भी कीजिए उसमें कैसा है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में करेंगे तो आपका फोकस इंक्रीज होगा। अभी शुरू में मेरा डायलॉग फंबल होता था बट ठीक है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी ये देखिए, ये वाला जो स्पीच मैंने दिया वो काफ़ी स्पीड है, पिछले वाले स्पीच में मैं काफ़ी स्लो बोल रहा था, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस कर्व आपने पढ़ा होगा, मतलब जो लोग एमकॉम कर रहे हैं या फिर जो लोग सीए कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, उसमें आप एक्सपीरियंस कर्व बोलते हैं कि जब हम कोई काम बार बार कर लेते तो हमको उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये 3 पिछले जो मैंने स्पीच दिए या फिर 3 मैं जो या फिर जो भी मैं पब्लिक स्पीकिंग का काम अभी कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, डायलॉग रिहर्स कर रहा हूँ, उसका असर है कि आज का जो मेरा स्पीड का, आज का जो मेरा पेस है, गलतियाँ हो रही हैं लेकिन आज का जो मेरा पेस है डायलॉग डिलीवरी का या स्पीच डिलीवरी का वो बहुत फास्ट है। तो आप जब बार बार कर लेंगे ना तो आप उसमें अच्छे हो जाएंगे। तो आपको ऑल द बेस्ट भावेश, आपको ऑल द बेस्ट, और आप लोगों में से भी 174 सब्सक्राइबर में आपको कोई भी अगर क्वेरी है, मतलब मैं इतना काबिल नहीं समझता हूँ अपने आप को कि सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा, उससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोशल वर्क कर रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा बेनिफिट भी है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं शायद प्रॉब्लम आपका सॉल्व करूँ, लेकिन उसमें मेरा भी ग्रोथ हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, मतलब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊँगा। तो चैनल को फॉलो कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मैं काम तो कर ही रहा हूँ, जो
परफॉर्मेंस दूंगा उसको भी देखिए, उसको कमेंट कीजिए, हमेशा मैं बोलता हूँ। पांडे रेगुलर कमेंट कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ पांडे से। पारस रेगुलर कमेंट कर रहा है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को ध्यान में तो रहे कि ये लोग कम से कम, ये लोग तो मतलब ठीक है, मतलब कोई नहीं है तो भी ये लोग तो है साथ में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, टेक केयर। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग मेहनत कीजिए, करते रहिए, ठीक है। मुझसे जो हेल्प होगा मैं करूँगा आपका, मेरा जो हेल्प आप कर सके वो कीजिए, ठीक है। चलिए मैं रखता हूँ, ये वीडियो कॉल की तरह ही हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप, टेक केयर। और आपका भावेश, आपका स्टेज फियर तब उतरेगा जब आप बार बार उसको करेंगे, और पेशेंस रख के आप जाइए, एक